हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सौरभ। आज के वीडियो में आई विल बी शोइंग यू द बेस्ट शू व्हाट आई फील बेस्ट फॉर वॉकिंग। सो मैं काफ़ी वॉक करता हूँ, तो मैंने बहुत सारे शूज़ ट्राई किए हैं कि वॉकिंग के लिए कौन से अच्छे हैं, कौन से बेस्ट कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैंने काफ़ी ब्रांड्स के शूज़ ट्राई किए हैं और देखा है, उसका चेक किया है कि कंफर्ट लेवल कैसा है, कि कितनी वॉक करने के बाद आपके पैर उसमें दुखने लग जाते हैं या आपके पैर कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं और आप ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी शूज़ ट्राई करने के बाद मेरे पिछले वीडियोस में मैंने जब वो 100 किलोमीटर्स चैलेंज किया था, तो मेरे कई दोस्तों ने पूछा था कि हमने भी ट्राई किया है और मगर कौन से आप शूज़ पहनते हो और जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो इतनी इतनी वॉक करने के लिए, कौन से अच्छे रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं दिखा देता हूँ कौन से शूज़ मैं यूज़ करता हूँ वॉकिंग के लिए और कौन से मैं फील करता हूँ जो बेस्ट है नॉर्मल वॉकिंग के लिए, और जिसमें मैं जो फील करता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी मेरे पैर पेन नहीं करते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब मैंने इससे कंफर्टेबल शू अभी तक बहुत ट्राई करने के बाद, दीज आर द बेस्ट वंस जो मैं फील करता हूँ कि ये बेस्ट है वॉकिंग के लिए, और वो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पहले दिखाता हूँ मैं कौन से अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ वॉकिंग के लिए। वो है, ब्रांड इज न्यू बैलेंस। सो दिस इज द शू, न्यू बैलेंस। ये तो मैं नॉर्मल अभी आई थिंक 5-6 मंथ से भी ज़्यादा से आई थिंक यूज़ कर रहा हूँ, और मैं ये वाइड फुट है तो इसमें कंफर्ट लेवल बहुत ही कमाल का है। इसमें लाइट वेट, मतलब इसमें वेट आप बिल्कुल देखेंगे तो शू के हिसाब से कोई वेट ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम वेट। आपको पैर में पहन लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने स्केचर्स के शूज़ डाले हैं तो आप फील कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि क्या लाइट वेट होंगे शू। वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लीग के ये शूज़ हैं, लाइट वेट बट बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं पैर को, बहुत कंफर्टेबल है। वेट तो बिल्कुल है ही नहीं इनका, और जो सोल है वो इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा है, मतलब इतनी कुशनिंग देता है वो आपको, पैर को पूरा क्या कहते हैं सपोर्ट देता है। ये चल चल के ये नीचे से उतर गया है इसका पूरा, मैंने वो ये वेयर एंड टेयर हो गई है इसकी। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को पसंद आ जाते हैं शूज़, जो मैं क्या कहते हैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मैं उसके स्पेयर मुझे जब दिखते हैं अच्छे, अच्छी कोई डील पे मिले हों या अच्छे मेरे को कहीं मिल जाएँ, एक दो स्पेयर मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ ताकि जब भी कोई टूटे शू तो आप दूसरा पहन सकते हैं। तो उसके लिए मैंने नए ले रखे हैं, ये नया बॉक्स है उसका, दीज आर द न्यू वंस जो मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे आपको, जो नए लेते हो तो आप कैसे दिखेंगे। सो ये मैंने एक स्पेयर इसका लेके पहले ही रखा हुआ है, अभी नहीं लिया, मैंने इसको 3-4 महीने पहले ही ले लिया था क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल फील कर रहा था उन शूज़ में, और जब मुझे एक अच्छी डील दिखी तो मैंने सीधा उसको क्या कहते हैं ख़रीद लिया तभी के तभी अपने साइज़ में, कि जब वो टूटेंगे या जब मैं इसको रिटायर करूँगा तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ स्ट्रेट अवे। तो ये वो शू है, इसका मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, न्यू बैलेंस का है ये, होम्स, HOMES, और ये वाइड फुट शू है। वैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि वैसे ये कितने कॉस्टली होते हैं, और मुझे इतनी अच्छी डील मिली थी तो मैंने इसको पहले ही एक मतलब शू लेके पहले ही रख लिया। तो आप ये देखिए, ओरिजिनली ये शू इज़ $240 और एक स्पेशल डील आई थिंक कोई मार्च अप्रैल में ईस्टर या कुछ सेल लगी होगी या कुछ, जब मैंने लिए थे तो इट वॉज मार्क डाउन टू $50। ये हमेशा 50 के नहीं मिलते हैं, मगर दैट वॉज द डे, लाइक उस दिन उन्होंने 50 का लगाया हुआ था तो मुझे 50 में मिल गया।
जैसे ये वाला शू है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ करंटली, ये आई गॉट इट फॉर $120, मगर ये भी वो सेम $240 वाला था, तो आई थिंक 50% ऑफ इस पे भी था। तो ये शू मैंने अब यूज़ करता हूँ मैं, और आई लव देम, और मुझे नहीं लगता मैं कोई और शूज़ वॉकिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है, इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल, मैंने इतना कंफर्टेबल शू कभी नहीं पहना है वॉकिंग के लिए। मैं देखने में, मैं अगर कहूँ शू बहुत अच्छा है, मैं इसको वैसे नॉर्मल कैजुअल वेयर में नहीं पहनता हूँ, उसके लिए मुझे आई लव नाइकी शूज़, जो एयर मैक्सेज हैं वो मेरे पास काफ़ी होते हैं, तो मैं वही पहनता हूँ। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस शू, अगर आप वॉकिंग के लिए अगर आपको अच्छे शूज़ चाहिए तो यू कान गो रॉन्ग विद दिस वन। और मैं जैसे जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो अभी तक बहुत शूज़ ट्राई करने के बाद इतना कंफर्टेबल, जो मैं अगर 20 किलोमीटर भी मैं अगर वॉक कर लूँ तो शू की वजह से मेरे पैर नहीं दुखते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड शू, और डेफिनेटली मैं तो यही यूज़ करता हूँ, तो इसलिए आई थॉट लाइक कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये। और कई दोस्तों ने पूछा था, तो उनके लिए भी ये है कि ट्राई कीजिए आप, अगर आपको अच्छे शू चाहिए अगर उसके लिए, तो ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लगा। और यप, दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय, सी या।